आज हम फिर एक नया सेट लेकर के आए हैं। 1 से 50 क्वेश्चन इसके पहले वाला सेट में दिए थे, आज हम दे रहे हैं 51 से लेकर के 100 नंबर तक। फिर हम तुरंत इसके बाद 100 से 150 तक 50-50 का हम सेट देंगे। एक हम पूरा सेट भी इसमें डाले हैं अभी, पूरा सेट यानी कि परीक्षा का, विद्यालय हाई स्कूल के प्लस टू के लिए और प्रधान शिक्षक के लिए दोनों का। कुछ हमारा कमेंट आया है इसमें, कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि नकारात्मक भाव प्रदर्शित कर रहे हैं कि प्रधान शिक्षक का फॉर्म नहीं भरना चाहिए, उनको क्या नुकसान होगा या क्या घाटा होगा या क्या फ़ायदा होगा। हम कल वीडियो एक डालने जा रहे हैं, आप उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, देखिएगा उसको। चलिए बिना देर के हुए हम इसको शुरू करते हैं। इससे इसमें 4-5 प्रश्न अच्छा है, उसको आने की पूर्ण संभावना है, करते हैं इसको। पहला 51 कहता है, विद्यालय सेवा बोर्ड की स्थापना कब हुई? विद्यालय सेवा बोर्ड की स्थापना 1981 में हुई है। फिर कहता है विद्यालय सेवा बोर्ड की स्थापना, फिर कहता है 52 सरकारी सेवक महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की सीमा क्या है? मातृत्व अवकाश की सीमा है 6 महीना। 53 TCR 1 कैशबुक किस संस्था से संबंधित है? ये वित्त रहित महाविद्यालय से संबंधित है। बिहार के 11 में नामांकन में विवरणिका शुल्क के लिए कितना लगता है? विवरणिका शुल्क 11 क्लास में अति के लिए लेता है 100 रुपया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विवरणिका शुल्क से कितने रुपये विद्यालय को लौटा देती है? ये लौटा देती है 200 रुपया। शिक्षक के मृत्यु के उपरांत अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए निम्न प्रमाण पत्रों में किसी की आवश्यकता नहीं होती है? बहुत बढ़िया ये प्रश्न है, कहता है किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, आवेदक की शैक्षणिक योग्यता चाहिए, संस्था द्वारा अग्रसारण चाहिए, पोस्टमार्टम का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। राजपत्रित सरकारी सेवक से क्या तात्पर्य है? राजपत्रित सरकारी सेवक से राज्य सेवा का सदस्य है, इसका तात्पर्य है। प्रमाण पत्रों को अटेस्टेड करने का अधिकार किसे प्रदान किया जाता है? राजपत्रित अधिकारी गस्टेड ऑफिसर इसका लिए अटेस्टेड करने के लिए है। वर्ष 2005 के बाद नियुक्त सरकारी सेवक को पेंशन दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता है। फिर कहता है कोषागार से संबंधित जिला स्तर पर अंतिम आदेश किस पदाधिकारी को मान्य है? यह जिला पदाधिकारी को मान्य है। माध्यमिक स्तर पर स्थानांतरण शुल्क की राशि को किस मद में जमा किया जा सकता है? विकास कोष में जमा किया जाता है। किसी माध्यमिक विद्यालय में अगर किराया के रूप में कोई राशि विद्यालय को प्राप्त होती है तो निम्न में से किस मद में संधारित होगी? वह छात्र मद में संधारित होगी। चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर के लिए राष्ट्रीय कॉल नंबर कौन सा है? 191098। कितने वर्षों की सेवा पूरी करने वाले सरकारी कर्मियों को अध्ययन अवकाश की सुविधा प्रदान की जाती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। 3 वर्ष, अगर किन्हीं का 3 वर्ष सेवा हो चुका है तो उनको लीव, स्टडी लीव मिल सकता है। कितने वर्षों की सेवा पूर्ण किए सरकारी कर्मियों को अध्ययन देय नहीं होता है? 20 वर्ष। 20 वर्ष अगर पूरा हो गया तो आपको, ऐसे सरकारी कर्मचारी जो अपनी अवकाश अवधि पूरी करने के बाद भी अवकाश पर रहता है और अवकाश की स्वीकृति तक वह किस प्रकार अवकाश माना जाएगा? वह असाधारण अवकाश माना जाएगा। अवकाश अध्ययन अवकाश किस प्रकार का होता है? अध्ययन अवकाश अवैतनिक होता है। महिलाओं के लिए विशेष अवकाश किस क्रिया के लिए प्रदत्त है? किस क्रिया के लिए दिया जाता है? मासिक क्रिया के लिए उनको महीना में 2 दिन दिया जाता है। प्रसूति अवकाश
संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम कितनी बार देय है? दो बार, दो बच्चे को जन्म लेने के अवसर पर आपको ये मिलेगा। बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1948 किस तिथि से प्रभावित हुआ? 1/10/1948। निम्न में से किस पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित विषय अथवा आदेश पर भुगतान नहीं किया जा सकता है? भुगतान इसमें कहता है कि नहीं किया जा सकता है, तो वित्त विभाग, इसका आंसर हो जाएगा वित्त विभाग। 71, 72 हो जाएगा। 72 कहता है भविष्य निधि बिहार भविष्य निधि नियमावली 1948 के अधीन अभिदान की राशि का निर्धारण कौन कर सकता है? ये कर सकता है जिला भविष्य निधि पदाधिकारी। बिहार राजपत्रित पदाधिकारियों का सेवांत लाभ से संबंधित पेंशन एवं ग्रेच्युटी का अंतिम भुगतान आदेश कौन देता है? महालेखाकार। पेंशन नियमावली के अंतर्गत वर्ष से क्या तात्पर्य है? वित्तीय वर्ष। वर्ष से तात्पर्य है वित्तीय वर्ष। बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1948 के प्रावधान के अंतर्गत लेखा पदाधिकारी से अभिप्रेत है निधि शाखा का प्रभारी शाखा पदाधिकारी। शैक्षिक नेतृत्व निम्न में से किसमें नहीं होता है? कहता है कि शैक्षिक नेतृत्व किसमें नहीं होता है, तो वर्ग शिक्षक में नहीं होता है। शैक्षिक नेतृत्व में ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए? प्रेरक का गुण होना चाहिए। चलिए इसके बाद कहता है शैक्षिक नेतृत्व का कार्य क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? नीति निर्धारण करना, नियम बनाना। विद्यालय में दैनिक कार्य तालिका की विशेषताओं में कौन उपयुक्त नहीं है? शिक्षकों का व्यक्तित्व प्रदर्शन, ये उपयुक्त नहीं होगा। चलिए इसके बाद कहता है बुनियादी शिक्षा का व्यावसायिक पहल का सिद्धांत किस महापुरुष की कल्पना थी? ये विनोबा भावे की कल्पना थी। शैक्षिक प्रबंधन द्वारा निम्न में से कौन से कार्य कुशलतापूर्वक किए जाने चाहिए? शैक्षिक कार्यों का क्रियान्वयन, यानी क्रियान्वयन कुशलतापूर्वक किया जाना चाहिए। 82, प्रभावी शैक्षिक प्रबंध में कौन से कौशल होने चाहिए? संरचनात्मक कौशल होना चाहिए। चलिए अब इसके बाद है 82 के बाद आते हैं 83। शिक्षा प्रशासन के निम्न में से कौन सा कार्य है? इसका कार्य हो जाएगा निर्देशन। फिर कहता है राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य के प्रति सार्थक प्रयास। चलो 85 कहता है राज्य के नीति निदेशक तत्व के अधीन अनुच्छेद 46 वर्णित तथ्य में निम्न में कौन प्रावधान है? निम्न इसमें से प्रावधान हो जाएगा राज्य अनुसूचित जाति जनजाति की शिक्षा अर्थ शोषण पर उल्लेख, ए नंबर। उसके बाद 86 कहता है राज्य के मिश्रित संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर राज्य नीति निदेशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद है? इसमें अनुच्छेद हो जाएगा 45। छन पद्धति में व्यक्तिकता के मापदंड में, शिक्षण पद्धति में हो जाएगा बुद्धिमत्ता विवेक प्रभावशाली संप्रेषण, सभी हो जाएगा इसका आंसर सभी। फिर कहता है वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के ढांचा की जड़ 1854 में रखा गया है, किससे संबंधित है? 1854 वाला ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड डिस्पैच से ये संबंधित हो जाएगा, 1854 में आया था। समन्वय एवं संप्रेषण से संबंधित निम्न में से कौन सा? समन्वय एवं संप्रेषण
हो जाएगा मूल्यांकन आधारित नियम, मूल्यांकन आधारित नियम हो जाएगा। फिर कहता है 90 नवाचारी शिक्षा के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं रखा गया है, नहीं रखा गया पूछ रहा है, तो निबंध आधारित ज्ञान, निबंध आधारित ज्ञान नवाचारी शिक्षा में सब है ऑब्जेक्टिव। चलो 92-91 कहता है शिक्षण पद्धति में कार्य अनुभव के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुपयोगी है, कहता है कौन अनुपयोगी है, हो जाएगा हलवाई गिरी अनुपयोगी है इसमें। 92 कहता है किन किन परिस्थितियों में सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की पेंशन रोक दी जाती है, रोक दी जाती है, गंभीर अपराध, घोर कदाचार, इसमें न्यायिक विवाह कार्रवाई चल रही हो, तो आंसर हो जाएगा घोर कदाचार। चलिए इसके बाद 92 के बाद 93 इसका हो जाएगा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में निम्न में से कौन सा वरीय शिक्षक माने जाते हैं, वेतनमान वाले शिक्षक वरीय माने जाते हैं। उसके बाद कहता है 94 विद्यालय में अभिलेख संधारक कौन होते हैं, लिपिक। शिक्षक नियोजन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 2006 में। निम्न में कौन नियोजित कर्मी कौन है, इसमें कहता है कि नियोजित कर्मी 96 नियोजित कर्मी कौन है, पुस्तकालय अध्यक्ष हो जाएगा नियोजित कर्मी। स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय के शिक्षकों का वेतन भुगतान किस प्रकार किया जाता है, इसका किया जाता है सरकारी अनुदान से किया जाता है। 98 निम्न में कौन वर्दी भत्ता का हकदार नहीं है, कहता है वर्दी भत्ता का हकदार नहीं है, तो प्रहरी को मिलता है, आदेशपाल को मिलता है, पदचर को मिलता है, लिपिक इसका नहीं है। किसे साइकिल जैसे मिलती है, तो माध्यमिक के छात्र को मिलती है, साइकिल की राशि सिर्फ माध्यमिक के छात्र को मिलती है। 100 पोशाक की राशि किसे नहीं मिलती है, पोशाक की राशि किसे नहीं मिलती है, तो उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को पोशाक की राशि प्लस टू वाले को नहीं मिलती है, प्रारंभिक में मिलता है ना। इसमें आंसर हो जाएगा उच्च माध्यमिक विद्यालय को नहीं मिलती है, यहाँ ये गलत छप हो गया है, ये माध्यमिक विद्यालय होगा यहाँ। चलिए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, अभी हम तुरंत लगातार इसमें हम वीडियो डाल रहे हैं जिससे कि आपकी पूरी तैयारी हो सके, हाई स्कूल और के हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक दोनों की बेहतर तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको तुरंत वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू।